महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बच्या भोवऱ्यामध्ये सापडलेले राज्याचे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची अडचणी अजून वाढलेल्या आहे। शनिवारी सीबीआयने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्या घरांवर किंवा त्यांच्या ऑफिसेस किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर सीबीआय छापा मारलेला आहे। सध्या आपण नागपूर येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर उभो आहे। इथे पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त आहे। आतमध्ये सीबीआयची 8 लोकांची टीम आतमध्ये आलेली आहे। सकाळी 6 वाजल्यापासून ही चौकशी किंवा हे कागदपत्र तपासणी सुरू आहे। आतापर्यंत सीबीआयची टीम बाहेर आलेली नाही आहे। तर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त आहे। मुंबईसह 15 जागेवर या सीबीआयच्या 15 टीमनी ही कारवाई केली आहे। काटोल सांगण्यात असं येतं की काटोलमध्ये जे घर आहे तिथेही सीबीआयची एक टीम पोहोचली आहे। सोबतच अनिल देशमुख यांचे जे हे सचिव पीए होते त्यांच्या घरावरही सीबीआयची टीम पोहोचलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश अभिषेक पानसी, NBC News, नागपूर।